नो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए तो आरएनए किवें बनता है, जेडे इनिशियल स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स दे विच सेम होंगे है, केड़े तीन स्टेप कॉमन है, इनिशिएशन इलोंगेशन ते टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन करता हैगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो इन्हें ट्रांसक्रिप्शन करनी होंगी है, सब तो पहला जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर रीजन से अटैच हो जाता है, रेकोगनाइज करता है, रेकोगनीशन च कौन हेल्प करता है, इसका सिग्मा फैक्टर। सो ये अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज इस जगह देते प्रमोटर रीजन देते, उस तो बाद ये अगे अगे बढ़ी जाएगा, हेलिक्स में खोली जाएगा, बेसिस में जोड़े है एड करी जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। सो स्ट्रक्चरल जीन देते जो बेसिस है वो बेस के उत्ते जोड़े है बेसिस एड कर रहे हैं। सो थर्ड हो गया, सो दिस इज इलोंगेशन। थर्ड हो गया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की हो गया कि जो आर एन ए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन दे विच पहुंचेगा, सो इहदे विच की है कि दिस आर एन ए ते आर एन ए पॉलीमरेज ये दोनों जड़े हैगे हैं सैपरेट हो जाएंगे ते ये आर एन ए जड़ी चेन है वो रिलीज हो जाएगी। जड़े प्रोकैरियोट्स हैं उन्होंने जी आर एन ए हैगी है वह मैच्योर ते प्रोसैसड फॉर्म दे विच होंदी है, उन्हों कोई प्रोसैसिंग की लोड़ नहीं हैगी। मोरओवर जड़े प्रोकैरियोट्स हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स की है कि जिन्हों के इको ही कंपार्टमेंट है कोई न्यूक्लीअस नहीं, सो दिस इज न्यूक्लीअर। जिमें ही इतने आर एन ए बनिया नाल दी नाल जड़ी हैगी ट्रांसलेशन की प्रोसैस शुरू हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन हुई तो ट्रांसलेशन नाल दी नाल स्टार्ट होगी। सो सेम कंपार्टमेंट के दोनों प्रोसैस हो रही है। सो इतने कोई प्रोसैसिंग की लोड़ नहीं, जिहड़ा आर एन ए बने वो मैच्योर फॉर्म च बनता है। लेकिन जिहड़े यूकैरियोट्स हैं फॉर एग्जाम्पल आ यूकैरियोट है, सो दिस इज न्यूक्लीअस। सो न्यूक्लीअस दे विच आ डीएनए है, डीएनए तो आर एन ए बने। सो न्यूक्लीअस दे विच ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और जिहड़ी प्रोटीन सिंथेसिस होनी है वो साइटोप्लाज्म दे विच इस जगह दे उत्ते होनी है, यानी कि राइबोसोम जिथे प्रेजेंट है उत्थे होएगी। सो इहदा मतलब सब तो पहला इन बाहर लेके आया जाता है, बाहर लिया तो पहला इसकी सब तो पहला प्रोसैसिंग की जाती है, यानी कि जेडे यूकैरियोट्स है उन्होंने आर एन ए बनी है इसकी पहला प्रोसैसिंग होगी। ये एक्चुअली मैसेंजर आर एन ए नहीं है, ये केड़ा आर एन ए बनी है, एच एन आर एन ए। एच एन आर एन ए की है हेटीरोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए। सो ए है कि ए कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों तरह के सीकुएंस है, यानी कि ए एग्जॉन्स इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। एग्जॉन्स की है दिस आर द एक्सप्रेस्ड सीकुएंस, इंट्रॉन्स की होंगे इंटरवीनिंग सीक्वेंस होंगे है जेडे कि ट्रांसक्राइब नहीं होंगे है। सो इन्हों रिमूव किया जाता है इंट्रॉन्स नू प्रोसैसिंग के दौरान, इस प्रोसैस में की कहते हैं सप्लाइसिंग। सो सप्लाइसिंग की हैगी है दैट प्रोसैस इन विच इंटरवीनिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड ते एग्जॉन्स नू जेड़ा हैगा वो ज्वाइन किया जाता है। सो आ देखो, सो आ एक एच एन आर एन ए बनिया 5'5'3' की पोलैरिटी होगी। सो आदि विच इंट्रॉन्स हो गए, सो दीज आर द इंट्रॉन्स, आ हो गए एक्सॉन्स, आ वाला एक्सॉन, दिस वन एक्सॉन, सो दिस वन एक्सॉन, सो दिस वन। सो इहदे विच तीन स्टेप्स होंदे हैं, सप्लाइसिंग होएगी, कैपिंग होएगी, टेलिंग। सप्लाइसिंग हो गया, फिर जिहड़े इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं इन्हां नूं रिमूव किया जांदा है। सो इंट्रॉन्स नूं रिमूव करता, सिर्फ एक्सॉन्स नूं जॉइन किया। सेकंड इहदे विच की होएगा कैपिंग, कैपिंग मतलब इहदे विच इक अनयूजुअल बेस 5'-डैश या 5' एंड दे उत्ते ऐड किया जांदा है, इहनूं की कहिंदे मिथाइल गैनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। टेलिंग दे विच की है, इहदे विच वावा सारा एडिनाइन ग्रुप जिहड़े हैगे 200 तो 300 200 to 300 जिहड़े पॉली ए एडिनाइन जिहड़े रेजिड्यूज है वो ऐड किए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टेलिंग। सो ये तीन चीजा होंगे। इस तो इलावा दो होर कॉम्पलैक्सिटीज है यूकैरियोट्स, एक मैं ऑलरेडी दस दी कि इहदे विच कंपार्टमेंटलाइजेशन होंगी है, यानी कि जिथे ट्रांसक्रिप्शन होंगी है वह न्यूक्लीअस दे विच होंगी है, जबकि ट्रांसलेशन जिहड़ी हैगी है वह साइटोप्लाज्म दे होंदी है। सो सैकेंड कॉम्पलैक्सिटी, नेक्स्ट कॉम्पलैक्सिटी की है कि इहदे विच डिवीजन ऑफ लेबर होंगी है, यानी कि जिहड़ा आर एन ए पॉलीमरेज है वह तीन तरह का होंगे, आर एन ए पॉलीमरेज 1, आर एन ए पॉलीमरेज 2, आर एन ए पॉलीमरेज 3। आर एन ए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आर एन ए 28S, राइबोसोमल आर एन ए 18S, राइबोसोमल आर एन ए 5.8S। ऐसे तरह जरा दिस पॉलीमरेज 3 है ये ट्रांसक्राइब करता है टी आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए 5S राइबोसोमल आर एन ए। जरा पॉलीमरेज 2 है वो करता है एच एन आर एन ए हेटीरोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए, जिदी की प्रोसैसिंग होंगी है, स्पलाइसिंग होंगी है, टेलिंग होंगी है, कैपिंग होंगी है, यानी कि जेडे यूकैरियोट्स हैं उन्होंने केड़ा जीन अरेजमेंट होंगे, उन्होंने सप्लिट जीन अरेजमेंट होंगे, यानी कि उन्होंने डीएनए के उत्ते दो तरह के सीकुएंसिस प्रेजेंट है, एक वो सीकुएंसिस जेडे एक्सप्रैस करेंगे अपने जिन्हों को कोडिड इनफॉरमेशन है, एक नॉन कोडिंग सीकुएंस होंगे है
जड़े की स्प्लाइसिंग के दौरान जड़े है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो बेसिक चार पांच डिफरेंस हो गए, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस।